विशेष कार्यक्रम लहरा दो तिरंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरा भी यही स्वप्न, यही आकांक्षा है कि संपूर्ण विश्व में भारत की आन बान शान सदैव कायम रहे। लीजिए, बातों बातों में परिचय देना तो भूल ही गया, तिरंगा हूं मैं, इस गौरवशाली देश का राष्ट्र ध्वज। आभार है फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इस मुलाकात को सुलभ बनाया, आपसे बातें करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा, मेरे बारे में कुछ आप जानते हैं कुछ नहीं, सब बताऊंगा। तिरंगा हूं सतत प्रवाहित गंगा हूं, गगन पर है नजर मेरी, वतन के रंग रंगा हूं। मैं सिर्फ कपड़े का टुकड़ा भर नहीं हूं, देश प्रेम शौर्य पराक्रम से प्रतिध्वनित होता एहसास हूं, जन जन में जागृत विश्वास हूं, स्वयं में एक इतिहास हूं, मुझ में भी धड़कन है, स्पंदन है, उमंग है। जब देश का परचम दुनिया में लहराता है, मेरा मन मुस्कुराता है। चलिए आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में साम्राज्यों की परंपरा रही है, जिनके अपने भौगोलिक क्षेत्र, शासन व्यवस्थाएं और ध्वज हुआ करते थे। आधुनिक काल में स्वाधीनता संघर्ष के दौर में स्वातंत्र वीरों के मन में भारत के एक ध्वज की संकल्पना ने आकार लेना शुरू कर दिया। मेरा वर्तमान रूप परिवर्तित और संवर्धित रूप है, जो मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जी हां, आप ही की तरह मेरी भी पीढ़ी है, मैं छठी पीढ़ी हूं और आखिरी, क्योंकि अब मैं इस वतन में और ये वतन मुझ में समाहित हो गए हैं, हम एक हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा था अपने पूर्वजों की। मेरी पहली पीढ़ी अस्तित्व में आई वर्ष 1904 में। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने मुझे आकार और रूप दिया। हरी पीली और लाल रंग की क्षैतिज पट्टियां थीं। ऊपर हरी पट्टी में 8 कमल के फूल, बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और चांद बने थे। इसे अगस्त 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया था। मेरे अगले पूर्वज का रूप लगभग पहले के समान ही था, अंतर मात्र ये था कि ऊपर की हरी पट्टी पर केवल एक कमल था, साथ में 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। इसे पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और उनके साथ निर्वासित कुछ क्रांति वीरों द्वारा फहराया गया था। अगले यानी तीसरे पूर्वज के अस्तित्व में आने का वर्ष था 1917। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के स्वराज आंदोलन के दौरान इसे फहराया गया था। एक के बाद एक 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां और सप्त ऋषि तारों का अभिविन्यास, ऊपर ध्वज दंड के किनारे यूनियन जैक तथा एक कोने पर सफेद अर्धचंद्र और सितारा। अब शुरू होती है मेरी कहानी, अपने जन्म और रूप रंग देने वाले अपने रचयिता को याद करते हुए मैं भावुक हो उठा हूं। उनका नाम था पिंगली वेंकैया। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारु में जन्म लेने वाले पिंगली वेंकैया ने खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की आवश्यकता पर बल दिया और गांधी जी की प्रेरणा और सुझाव पर इस पर कार्य प्रारंभ किया। 5 वर्षों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के शोध के पश्चात उन्हें तिरंगे का विचार आया। 1921 में विजयवाड़ा में
कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने दो रंगों लाल तथा हरा के डिजाइन को प्रस्तुत किया। इसे कांग्रेस के अगले अधिवेशनों में फहराया तो जाने लगा, किंतु आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिली थी। फिर इसमें तीसरा रंग सफेद और मध्य में चरखा जोड़ दिया गया। 1931 में कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग के ध्वज को स्वीकृति मिली, जिसमें मध्य में चरखा था। 22 जुलाई 1947 वो दिन था जब संविधान सभा ने चरखे वाले ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत और अंगीकृत किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर मूल विन्यास वैसा ही रहा, मात्र एक परिवर्तन के, और वो था मध्य में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र का प्रदर्शन। इस प्रकार मेरी यात्रा संपन्न हुई और आजाद भारत की यात्रा के साथ साथ मैं भी अब कदम मिलाकर चल रहा हूं। मेरी इस यात्रा की कथा वर्ष 1923 के जिक्र के बिना अधूरी ही रहेगी। उस वर्ष मार्च से अगस्त तक 5 माह का समय एक ऐसे सत्याग्रह के लिए जाना जाता है जिसे झंडा आंदोलन की संज्ञा दी गई। वर्तमान मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर तथा वर्तमान महाराष्ट्र का नागपुर नगर इस आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहे। 11 मार्च 1923 को जबलपुर में ध्वज फहराने की अनुमति को लेकर एक मुहिम छिड़ गई, जो धीरे धीरे प्रतिष्ठा का विषय बन गई। तत्कालीन परिस्थितिवश ये सत्याग्रह नागपुर स्थानांतरित हो गया, किंतु प्रतिबंध, गिरफ्तारियां, जुलूस और संघर्ष यथावत रहे। अंततः इस आंदोलन के आयाम ने सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। 14 अगस्त को धारा 144 हटाते हुए जुलूस की अनुमति मिल गई। 18 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिबंधित क्षेत्र से झंडा जुलूस निकाला गया। इस तरह 1923 के इस अभूतपूर्व झंडा आंदोलन का सार्थक और सकारात्मक समापन हुआ। सत्याग्रहियों के जीवट, जुनून और जोश को मेरा सलाम। स्वाधीनता पश्चात मेरी कहानी में एक और पड़ाव आता है। वर्ष 2002 से पूर्व आम नागरिकों को अपने घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, परिसरों आदि में राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। इस प्रावधान से व्यथित उद्योगपति, खेल व्यक्तित्व तथा सांसद रहे नवीन जिंदल की पहल और प्रयास से आजादी के 55 वर्षों के बाद 26 जनवरी 2002 से आम नागरिकों के लिए राष्ट्र ध्वज के दैनिक उपयोग के प्रतिबंध को हटा दिया गया। 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के किसी भी दिन फहराए जाने को नागरिकों का मूल अधिकार मानते हुए इसकी अनुमति प्रदान कर दी गई। श्री नवीन जिंदल कहते हैं, तिरंगा हमारे गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह भारत का गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान एवं समृद्धशाली भविष्य है। मेरा मानना है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर, दफ्तर या सार्वजनिक स्थल पर तिरंगा झंडा फहराता है तो वह अपने पंथ, राजनीतिक संबंधों, क्षेत्रीय विभिन्नताओं से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि इस ध्वज के नीचे हम सब एक हैं। यह हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। आज़ादी के बाद सिर्फ कुछ ही दिन हमें अपने तिरंगे झंडे को दर्शाने की इजाज़त थी। हम हर रोज अपने झंडे को नहीं फहरा सकते थे। इसके लिए मैंने लगभग 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर भारतीय नागरिक को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज मान सम्मान के साथ फहराने का मौलिक अधिकार है। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने हमारे देशवासियों को
हर दिन सम्मान के साथ झंडा दर्शाने का अधिकार दिया। मैं चाहता हूं कि इस अधिकार को हमारे देशवासी पूरे जोश के साथ इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि दुनिया के अनेक देशों में फ्लैग डे मनाते हैं। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है और इसी दिन हमें तिरंगे को दर्शाने का भी अधिकार मिला था। इसलिए क्यों ना हम 23 जनवरी को तिरंगा दिवस के रूप में भी मनाएं, जिससे देश के अंदर देशवासियों के बीच तिरंगे झंडे के प्रति और लगाव बढ़ेगा और इससे हम प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करेंगे। जय हिंद। मुझे फहराए जाने को मूल अधिकार के रूप में स्थापित होने से आपके कुछ कर्तव्य भी जुड़ गए हैं जो मेरी मान मर्यादा के संबंध में है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेना से सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली इस बारे में बता रहे हैं। मेरा आज आकाशवाणी के इस प्रोग्राम के माध्यम से एक ही मकसद है कि आप सब ये जानें कि राष्ट्रीय ध्वज को लगाना में कोई बहुत बड़ी अड़चने नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, कोई भी हिंदुस्तानी अपने घर ऑफिस में 365 दिन झंडा लगा सकता है। दूसरी बात, जहां तक संभव हो अगर आपके लिए तो इसे रात को उतार लें और सुबह चढ़ाएं। अगर ये किसी कारण से संभव नहीं होता तो झंडे के को अगर आप रात को छोड़ते हैं तो उस पर पर्याप्त रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। तीसरी चीज, झंडे को अपने शरीर पर वस्त्रों पर केवल कमर से ऊपर लगा सकते हैं सम्मानीय ढंग से। अगली बात, क्या झंडा सिर्फ खादी सिल्क या कॉटन का होना चाहिए? जहां तक संभव हो आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें। इस बात पे मनाही नहीं है कि आप किसी और मटेरियल का भी झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उनमें खादी कॉटन या सिल्क का जो झंडा है वही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर झंडा खराब हो जाए या फट जाए तो उसका हम क्या करें? ऐसे झंडों को आप एकांत में सम्मानित ढंग से पूर्णतया नष्ट कर दें और ऐसी चीजों का कोई भी वीडियो या फोटो आप ना बनाएं। हमारे वीर सेनानी मेरी मान मर्यादा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके लिए वतन और तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। मुझे अपनी स्कूली शिक्षा के दिन अच्छे से याद हैं। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूल जाना हमारे रगों में देशभक्ति और गौरव की अपार भावना भर देता था। वो भावनाएं आज तक उसी जोश के साथ आती हैं जब मैं वर्दी में अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देता हूँ। एक सैनिक के लिए राष्ट्र ध्वज या निशान केवल एक झंडा या एक औपचारिक वस्तु नहीं है बल्कि बहुत अधिक पवित्र और आस्था का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज नाम नमक और निशान के विचार का प्रतीक है। ये भारतीय सैनिकों को अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान करता है। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय सेना अभिन्न है। कारगिल युद्ध का जिक्र हम सभी को टाइगर हिल और तोलोलिंग के ऊपर राष्ट्र ध्वज की तस्वीर की याद दिलाता है। तिरंगा हूँ, तिरंगा हूँ, सतत प्रवाहित गंगा हूँ। मैं अपने रूप में प्राचीन भी हूँ और नवीन भी, सांस्कृतिक चेतना का वाहक भी, प्रगति का परिचायक भी। चलिए मिलकर कामना करें देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहे और मैं यूं ही शान से लहराता फहराता और मुस्कुराता रहूं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम लहरा दो तिरंगा। आलेख, संपादन और प्रस्तुति अभिनय श्रीवास्तव।